यूपी में सियासी हलचल बढ़ी। आरएसएस चीफ और सीएम योगी की मुलाकात। यूपी में बीजेपी की हार पर होगी चर्चा। इस वक्त पूरे देश और सभी राजनीतिक पार्टी की नजरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पर है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात होने वाली है। कल करीब 3 बार मुलाकात टलने के बाद आज दोनों के बीच मुलाकात होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत स्वयंसेवकों के शिविर में भाग लेने पहुंचे हैं, जिसके बाद से यूपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में लगे झटके को देखते हुए भागवत और आदित्यनाथ के बीच की मुलाकात पर नजरें हैं। जिस तरह मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने बीजेपी और पीएम मोदी पर इशारे ही इशारे में हमला बोला, उसके बाद से ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है। एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जिन्होंने राम के धब्बे के पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक नहीं बने, नंबर दो पर चले। दोनों नेताओं की मुलाकात शनिवार को होनी थी, लेकिन 2 बार दोपहर और 3री बार शाम में मुलाकात स्थगित हो गई। मोहन भागवत रविवार तक गोरखपुर में है, ऐसे में देखना होगा कि आज कब मुलाकात होती है। अब देखना होगा कि ये बैठक होती भी है या फिर स्थगित हो जाती है। खैर, इससे पहले संघ ने इस बात का भी खंडन किया है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सरसंघचालक भागवत की आलोचनात्मक टिप्पणियां सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाकर ली गई थी। आरएसएस सूत्रों ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई भी दरार नहीं है। भागवत ने सोमवार को नागपुर में एक सभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। विपक्षी नेताओं ने दावा किया था कि भागवत की टिप्पणी, जिसमें सच्चा सेवक कहीं अहंकारी नहीं होता, शामिल है। चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के नेतृत्व को एक संदेश था, जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस में दरार है। वहीं इंद्रेश कुमार ने जिस तरीके से कहा कि अहंकारियों को प्रभु राम ने 240 पर रोक दिया, वहीं जिन्होंने प्रभु राम का सम्मान नहीं किया उनको दूसरी पार्टी बना दी। ऐसे में आरएसएस और बीजेपी के बीच दरार की बातें लगातार कही जा रही है, ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि कल की तरह ये मुलाकात स्थगित होती है या फिर सफल होती है।